फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे प्रेस्टीज वेट ग्राइंडर का। ये वेट ग्राइंडर मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है और इसका प्राइस है 6483 रुपीज़। और ये बहुत ही अच्छे से पैक होके आया है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो चलिए अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं कि अंदर एक और अच्छे से पैकिंग में ये वेट ग्राइंडर आया है। तो इसे भी अब हम ओपन कर लेंगे। अब इसमें से भी हम वेट ग्राइंडर के बॉक्स को निकाल लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से दो तीन कवर में पैक होके आया है। ये प्रेस्टीज वेट ग्राइंडर है, इसका मॉडल नंबर है PWG02 और इसके साथ आटा नीडर अटैचमेंट और कोकोनट स्क्रेपर अटैचमेंट भी आया है। उसे भी कैसे यूज़ करना है आगे मैं वीडियो में बताऊंगी और ग्राइंड करके डेमो भी दूंगी। और 4-in-1 इडली बैटर कैसे बनाना है इसकी रेसिपी और ग्राइंड करके वीडियो में दिखाया है। और वेट ग्राइंडर को बहुत ही आसान तरीके से कैसे क्लीन करना है ये भी करके बताया है और टिप्स भी बताई हैं। तो वीडियो पे आप बने रहें और पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और भी हमारे वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके पूरे फंक्शंस अच्छे से जान लेते हैं। इट्स क्विकर एंड क्वाइटर, इसकी वजह से पेस्ट जल्दी से ग्राइंड हो जाता है और ग्राइंडर ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आती है। इसके स्टोन्स हाई क्वालिटी ग्राइंडिंग स्टोन से बने हुए हैं, इंटरलॉक मैकेनिज्म है, हैवी ड्यूटी मोटर है, कॉम्पैक्ट टेबल टॉप डिज़ाइन और कोकोनट स्क्रेपर अटैचमेंट और आटा नीडर अटैचमेंट भी है। 2 ईयर्स वारंटी ऑन मोटर है। इंडियाज नंबर 1 किचन अप्लायंसेस ब्रांड है। हाई क्वालिटी ग्राइंडिंग स्टोन्स फॉर इफेक्टिव ग्राइंडिंग ऑफ बैटर एंड लॉन्ग लाइफ। स्टेनलेस स्टील ड्रम, हाई ड्यूरेबल एंड इजी टू क्लीन। इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म फॉर सेफ्टी व्हाइल इन ऑपरेशन। ट्रांसपेरेंट लिड अलाउज यू टू सी इंग्रेडिएंट्स व्हाइल ग्राइंडिंग। आटा नीडर अटैचमेंट फॉर नीडिंग डफ फॉर पराठास, चपातीस, पूरीज एक्सेट्रा। कोकोनट स्क्रेपर अटैचमेंट फॉर फास्ट एंड एफिशिएंट कोकोनट स्क्रेपिंग। 1 ईयर वारंटी के साथ ये वेट ग्राइंडर आता है और 2 लीटर्स कैपेसिटी का आता है। का मॉडल देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और कलर भी प्यारा है और इसका स्टील का ड्रम भी बहुत अच्छा दिख रहा है और थिक है। इसमें ट्रांसपेरेंट लिड दिया हुआ है जिसे कि हम इसमें देख सकते हैं और अगर हमें बीच में कुछ भी डालना है तो डाल सकते हैं। लिड की ग्रिप भी अच्छी है। ये है इसका ऑन ऑफ बटन और ये है इसको लॉक करने का, ऐसे प्रेस करेंगे तो ये खुल जाता है।
देखिए इस तरह से, और इसके अंदर इस तरीके से ग्राइंडर दिखता है। स्टील ड्रम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हैवी है, स्ट्रॉन्ग है। ये है ग्राइंडिंग स्टोन्स और इसी के साथ में अटैच है ये वाइट कलर का स्क्रेपर जो दिख रहा है। लिड को बंद करने के लिए ये दिखाए हुए पार्ट पे ही लिड को प्लेस करके बंद करना है, तब लिड लॉक हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे प्रेस कर देना है तो लिड अच्छे से लॉक हो जाएगा और स्टील का ड्रम भी ज़्यादा हिलेगा नहीं। इसका लॉक सिस्टम अच्छा है। जब तक हम लिड को अच्छे से बंद नहीं करेंगे तब तक वो स्टार्ट नहीं होता है। अब मैं इसके साथ आए अटैचमेंट्स के बारे में बताऊंगी। तो इसके साथ आटा नीडर अटैचमेंट आया है, इसको इस तरीके से लगा देंगे और आटा डालकर हम अच्छे से आटा को नीड कर सकते हैं और डो बना सकते हैं चपाती पराठास वगैरह के लिए। और इसके साथ कोकोनट स्क्रेपर अटैचमेंट भी आया है, ये है कोकोनट स्क्रेपर अटैचमेंट। इस कोकोनट स्क्रेपर को ड्रम हटाकर इस स्टील के लिड को पहले लगाना है, उसके बाद में कोकोनट स्क्रेपर को इस तरीके से इसमें लगा देना है। तो कोकोनट स्क्रेप करेंगे तो इस स्टील के वेजल में गिरेगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। और पहली बार जब हम इस ग्राइंडर को यूज़ करेंगे तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा पानी डालकर इसे पहले ऐसे ही चला लेंगे, जिससे इसमें थोड़ी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होंगी तो निकल जाएंगी। और अब 4-in-1 बैटर बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 कप्स राइस लिया है, सेला चावल, बॉयल्ड राइस आप ले सकते हैं, और अगर वो नहीं है तो आप नॉर्मल राइस भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो टुकड़ा वाला राइस भी ले सकते हैं। और 1 कप उड़द की दाल लेना है 4 कप्स राइस के साथ। अब ये तीनों चीज़ों को पानी डालकर 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देना है। तो मिलते हैं 4 से 5 घंटे के बाद। यहाँ पे आप देखिए ऐसे ग्राइंडर में डाल दीजिए भीगे हुए दाल चावल और मेथी दाने को, और थोड़ा पानी डालकर लिड को ऐसे लॉक कर देना है। अब ग्राइंडर को ऑन कर दीजिए और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बैटर ग्राइंड हो रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर पानी डालना हो तो यहीं से भी डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स बैटर को थिक ही रखना है। तो ये हमारा बैटर ग्राइंड हो चुका है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से थोड़ा थिक बैटर ही ग्राइंड करना है। तो ये 4-in-1 बैटर बनकर रेडी है, और जब भी आपको यूज़ करना है तो इसी में से थोड़ा थोड़ा सा निकाल कर आप यूज़ कर सकते हैं। और जो भी हमें डिश बनानी है उसी अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम बैटर को
तैयार कर सकते हैं। इस बैटर से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि इडली, डोसा, उत्तपम, अप्पम, बोंडा, अट्टू, इंस्टेंट जलेबी और भी बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इसके ऊपर देखना है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूँगी। तो हमने बैटर निकाल लिया है और अब इसे क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए इसमें हम पानी डाल देंगे और मिक्सर ग्राइंडर को ऐसे ही रन कर लेना है। तो ये हमने लीड लगा दिया है और अब इसे हम ग्राइंडर को रन कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ग्राइंड करना है तो आपके लिए वेट ग्राइंडर बेस्ट है, क्योंकि मिक्सर वाले जार में ज़्यादा देर रन करने से गर्म हो जाता है और थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा ज़्यादा देर करना पड़ता है। और इसमें आप एक ही बार में ज़्यादा पीस सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखा फ्रेंड्स, इस तरीके से क्लीन करने से कितनी ही आसानी से स्टोन्स पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है और ड्रम भी क्लीन हो गया है। अब हम इसे थोड़ा और पानी से धो लेंगे बाहर में। आपको इस नोज़ल के अंदर देखना है कि दाल वाल ना हो, अगर है तो अच्छे से पानी डाल के क्लीन कर लीजिएगा, नहीं तो ये सूख जाता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इस ड्रम को भी निकाल कर हम अच्छे से बाहर वॉश कर लेंगे और यहाँ ऊपर की लिड को भी हम एक कपड़े से अच्छे से पोंछ देंगे और साफ कर लेंगे। इस तरीके से पानी डालकर ग्राइंडर को रन करके क्लीन करने से बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हैंड्स फ्री मिक्सर ग्राइंडर का अनबॉक्सिंग रिव्यू विद रेसिपीज देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन में दे दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया है तो स्पेशली 4-in-1 बैटर का, तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। और मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.